आज मैं आपको सैंपल प्रॉब्लम 3 जो है आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैंपल प्रॉब्लम 3 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है और चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सैंपल प्रॉब्लम 3 क्या बोल रहा है, ए कॉनकेव मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर में ये कह रहा है कि हम जो ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर के सामने किस जगह रखेंगे कि जो इमेज बनेगी ना वो रियल इन्वर्टेड और बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है ना उसी साइज का इमेज होना चाहिए। कहाँ पर रखा जाए ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कि जो इमेज बने वो रियल इन्वर्टेड और बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बराबर हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको इस पहचान में पेज नंबर 188 में आपको ये मिल जाएगा। तो गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, मिरर कौन सा है, मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। क्या है ये, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में आप जानते हैं कि एक वो पोजीशन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर हम रखेंगे तो जो इमेज बनेगी ना जस्ट बिल्कुल उसके डाउनवर्ड में बनेगी, उसी पोजीशन पर जस्ट नीचे बनेगी। ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पर रियल का मतलब ये है कि ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर आ सके। ठीक है, इन्वर्टेड मीन्स, इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पर ये यह है कि जहाँ रियल रहेगा वहाँ इन्वर्टेड रहेगा, इन्वर्टेड मीन्स कि जस्ट अपोजिट उल्टा बनेगा ये ऑब्जेक्ट, इमेज जो बनेगी उल्टा बनेगी। और सेम साइज का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उतनी ही हाइट की इमेज भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस किताब में आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर समरी दिया, और समरी ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ पर सब बताया है कि कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल और फोकस में रखेंगे तो इमेज जो बनेगी मिरर के पीछे बनेगी, यानी कि बड़ी बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो आप यहां हमको क्या बताना है कि कहां पर रखेंगे हम, कि जो ऑब्जेक्ट को हम किस पोजीशन पर रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है जो ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखेंगे कि जो इमेज बनेगी उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर हो। तो आप देख सकते हो यहां पर देखिए, एट सी जब हम सी पर रखेंगे ना, एट सी पर रखेंगे तो देखिए इमेज की पोजीशन सी पर ही बनेगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगी और रियल इन्वर्टेड यानी कि सी पर रखेंगे तो। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम से ही आपको समझा दूँ। ठीक है, तो ये एफ हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, तो चलिए यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना दूँ, कॉनकेव मिरर में बना के दिखाती हूँ आपको। ठीक है ना, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव मिरर। अच्छा, ये सर्कल का कुछ पार्ट लिया जाता है, तो आप इसको ना अंदाजा करके यहाँ पर आप फुल सर्कल डैश डैश करके बना लीजिए, इसलिए ताकि ये सर्कल जब बन जाएगा तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर देखिए सर्कल सही बना नहीं है, इस तरह से करके आप बिल्कुल सर्कल एकदम परफेक्ट बनाएं, उसके बाद सेंटर जो होगा यहाँ पर होगा, बिल्कुल सेंटर यहाँ पर होगा ना सेंटर। अब देखिए ये हमारा क्या है, सेंटर है ये। अच्छा, सेंटर से आप एक लाइन खींचिए। ठीक है ना, बिल्कुल ये जो कर्व लिया गया है ना, ये क्या है हमारा, ये कॉनकेव मिरर का पीछे साइड जो रहता है वो पॉलिश्ड रहता है। ठीक है, ये इतना पोर्शन लिया गया है मिरर का, सर्कल का। ठीक है, ये इतना मिरर है कॉनकेव मिरर। अब यहाँ सेंटर ये सर्कल का देखिए, सेंटर ये अब हमें अंदाज़ा लग गया। ठीक है, ये सेंटर ये सर्कल तो सेंटर के बीच में होगा। अब यहाँ से आप एक लाइन स्ट्रेट खींचिए। ठीक है, ये रहा स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ठीक है, खींच दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, ये जो होता है ना, ये पॉइंट, ये बिल्कुल जो ये जो मिरर है ना, बिल्कुल इसके जो बीच में जो पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। पोल को कैपिटल पी से मैंने यहाँ डिनोट कर दिया। और ये क्या है, सेंटर है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल ना बोलकर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, सी और पी इसका जो हाफ कीजिए बिल्कुल बीच में हाफ, ये रहा हाफ, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सी और पी का हाफ कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। देखिए हाफ नहीं, बीच में नहीं हुआ है, बिल्कुल बीच में करेंगे ना आप, ये लाइन बिल्कुल सीधा लेंगे, सर्कल बिल्कुल सही रहेंगे, सेंटर जो है बिल्कुल बीच में लेंगे, तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए फोकस बीच में यहाँ पर होगा, ये फोकस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ किसे कहते हैं, यहाँ पर जो ये सी पी हो गया, ठीक है ना, सी पी, और इसका हाफ पे हमने क्या बनाया, एफ पॉइंट दे दिया है, तो ये जो सी एफ है और ये एफ पी है, इसी को फोकल लेंथ कहा गया। ठीक है ना, मतलब सी एफ मैं यहाँ लिख देती हूँ, सी एफ, ये सी एफ इक्वल टू एफ पी, ठीक है ना, इसी को फोकल लेंथ कहा गया, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, इसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। कितना दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ दिया है ना गिवन। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखें कि जो हमारा जो इमेज बनेगा वो
रियल इन्वर्टेड होना चाहिए और ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने, तो यहाँ सेंटर पर रखेंगे। यहाँ देखिए सेंटर पर रखिए, ये रहा सेंटर पर, मैं यहाँ रखती हूँ उसको, ये रहा सेंटर, यस ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, इसी पर रखेंगे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तभी ऐसी इमेज आएगी जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम दो रेज लेके चलेंगे, मैं यहाँ पर दो रेज लेके चलूंगी, एक लेके चलूंगी इंसिडेंट रे जो, अच्छा यहाँ पर ये समझ लीजिए, पहले ये जो लाइन है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दो रेज लेके चलेंगे, ठीक है, दो रेज आप एक बना लीजिए, यही दो रेज जो है हम हर सर्कल में बनाएंगे, हर डायग्राम रे डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है। तो पहला रेज मैं लेके चलूंगी वो इंसिडेंट रे जो इस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो, तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो, तो देखिए आप पैरेलल लेना है, ये देखिए ये लाइन है, अब इस लाइन के पैरेलल इंसिडेंट रे, अब यहाँ देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो लाइट इंसिडेंट होगी किस पर, मिरर पर, देखिए सीधी नहीं गई है, ये रहा, यस ये हो गया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, कॉनकेव मिरर से टकराया, स्ट्राइक किया। अच्छा जब ये रे, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे जो आई है ना वो फोकस से पास होगी, ये नियम है, ठीक है ना, दो रेज लिए गए हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर होगी इंसिडेंट रे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो फोकस से पास होगी। तो चलिए यहाँ से लेके जाइए आप, ये रहा ये रहा, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं दूसरा रे लेकर क्या चलूँगी कि अगर रे फोकस से पास होती है इंसिडेंट रे, पहला इंसिडेंट रे ये था जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए ये दोनों लाइन आपस पैरेलल, अब मैं जो दूसरा रे लेके चलूंगी वो इंसिडेंट रे फोकस से अगर पास होती है, तो फोकस से पहले पास कराइए, ये है देखिए फोकस पॉइंट है, यहाँ पर रखिए ये, यस ये रखिए यहाँ पर, ये हो गया। तो अगर फोकस से पास होती है इंसिडेंट रे, ये देखिए इंसिडेंट रे है, यहाँ पर आप एरो बनाइए, ये इंसिडेंट रे है, तो वो रे जो रिफ्लेक्ट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जस्ट पहले वाला जो रे है ना उसके अपोजिट। देखिए पहला रे मैंने कौन सी लिया है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। अब दूसरा रे मैंने क्या लिया कि अब वो फोकस से पास हो रही है इंसिडेंट रे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो देखिए यहाँ से पैरेलल जा रहा है, यहाँ पर ये देखिए इसके पैरेलल, ये यहाँ पे है, ये हो गया, सॉरी मेरा थोड़ा सा कैमरा जो है शेक कर रहा है, ये हो गया, ठीक है, आ गया ना रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टर देखिए ये इंसिडेंट रे है, फोकस से पास होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन, इसके पैरेलल होगी। तो देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना, हो गया। अच्छा अब इमेज कहाँ बनती है, इमेज हमेशा वहाँ बनेगी जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे, इंटरसेक्ट जहाँ करेंगे, देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहीं पर इमेज बनेगी इस पॉइंट पर। तो इमेज बनाइए आप, देखिए यहाँ पर ये इमेज आप बनाइए, यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर, तो देखिए ये हमारा जो है डायग्राम थोड़ा गलत आ रहा है, इसलिए क्योंकि मेरा रफ डायग्राम बना हुआ, अदरवाइज अगर आप बिल्कुल सही बनाते ना तो बिल्कुल यहाँ पर आता ये पॉइंट। तो आप समझ लीजिए कि अंदाजा आप देख रहे हैं नियरली बिल्कुल यहीं पर आ रहा है ना, थोड़ा सा फर्क है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक रफ डायग्राम बना हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप सही से बिल्कुल बनाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ही पॉइंट आपका आएगा, ठीक है, तो ये आप जान गए। तो यहाँ पर देखिए ये जो इमेज बन रही है, ये हमारी इमेज है, ये जो नीचे बन रही है नीचे की ओर, ठीक है ना, यहाँ पर मीट कर रहा है हमारा, तो हमारा इमेज यहाँ बनना है, ठीक है, पॉइंट आप यहाँ मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा इमेज बनना है। तो अब देखिए यहाँ पर सी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज बिल्कुल कहाँ बन रही है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही तो बन रही है, इसी पॉइंट पर। अच्छा हाइट देखिए, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो इमेज की भी हाइट बिल्कुल बराबर है, बराबर है कि नहीं, तो ये रियल भी है इन्वर्टेड भी है, और क्या है ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसकी हाइट के बराबर है इमेज की हाइट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर एट सी पर यानी कि कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा टोटल, ये देखिए ये फोकल लेंथ 10th है, ये फोकल लेंथ 10th है, तो ये टोटल कितना हो गया 20 हुआ ना, तो सी पी कितना हुआ 2 इंटू एफ, भाई ये 10 में 2 इंटू कर देंगे तो टोटल आ जाएगा ना, तो 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये है आंसर आपका। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम,
20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे मिरर से, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि 20 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ लिखिए ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मुझसे गलत बना है मैं मान रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है रफली बनाया, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत अच्छे से मेजरमेंट लेके चलेंगे ना, तो आपका बिल्कुल डायग्राम जो है, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट बिल्कुल यहीं पर आएगा जहाँ पर दोनों रेज रिफ्लेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।